वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। जीवन की यात्रा में शांत और पवित्र मन में पुष्पित हो रहे तरंगों की लहरी के धुन और रंग जो सुकून प्रदान करते हैं, वो आत्मा की निर्मल विशालता के अक्ष सदृश ही तो होते हैं। ब्रह्मांड से निसेचित और धरा पर पंच तत्व से सिंचित यह जीवन की विस्तृत व्याख्या श्री कृष्ण के गीता में भी वर्णित है। अंगूठे से अग्नि, तर्जनी से वायु, मध्यमा से आकाश, अनामिका से पृथ्वी और कनिष्का से जल तत्व का संचार सदैव रहता है। पंचाक्षर में पांच अक्षर भी इन पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न से अग्नि, मह से वायु, शी से आकाश, वा से पृथ्वी और या से जल तत्व के प्रतिनिधि हैं। नमः शिवाय। सार गर्भित विषय पंच तत्व की रक्षा पर आधारित श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की शामिका आर्ट गैलरी और अनुसुईया आर्ट सर्किल के सौजन्य से दो दिवसीय आर्ट वर्कशॉप के अवसर पर कैनवास पर चित्रकारों के रंगों की मार्फत उतरती सोच की अभिव्यक्ति ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री जेजेटी विश्वविद्यालय की चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद टिबड़ेवाला ने कला के क्षेत्र में युवा कलाकारों की बढ़ती रुचि की तारीफ करते हुए कहा, इन कलाकारों की पेंटिंग द्वारा समाज को पंचतत्व के प्रति सजगता का एक सशक्त संदेश वाकई सराहनीय है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए महावीर इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री नितिन अग्रवाल और गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मंगल ने आर्ट वर्कशॉप की थीम पंच तत्व की रक्षा के अनुरूप कलाकारों द्वारा उकेरी हुई तस्वीरों की भरपूर सराहना की। इस वर्कशॉप में अमेरिका से पहुंची हुई चित्रकार जिनकी यूरोपीय देशों की आर्ट गैलरी में चित्रों की प्रदर्शनी लगती रहती है, उन्होंने कहा कि भारत जैसे महान देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है इनके कला को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलने की जहां इन्हें एक सशक्त पहचान मिल सके। इन्होंने कई भारतीय कलाकारों की पेंटिंग को अपने खर्च पर विदेश की आर्ट गैलरी में प्रदर्शित भी करवाया है ताकि जो सर्टिफिकेट इन कलाकारों को मिले वो इनके रोजगार में सहायक हो सके। मेरे आर्ट सर्कल का मकसद जो उभरते हुए कलाकार हैं या किसी कारणवश बाहर कहीं अपना पेंटिंग्स को नहीं लेकर जा सकते हैं तो उनको अपने संसाधन से उनका उनके काम को एग्जीबिट कराना और दूसरी जगह लेकर जाना, जिससे कि वो कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो कहीं स्टैंड कर सकें। तो और ये जो वर्कशॉप है इसमें सब एक साथ जब काम कर रहे हैं एक दूसरे का देख कर उनको यह इंस्पिरेशन मिलती है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कितना काम करना चाहिए, तो उससे एक जिजीविषा उनके अंदर जागती है कि वो जो हमेशा आगे काम करने के लिए उन्हें प्रेरणा देती रहती है। ये मेरे आर्ट सर्कल का मकसद है। वर्कशॉप में शामिल हुए विभिन्न राज्यों से कलाकारों ने हर दृष्टिकोण से इसे सफल बताते हुए विश्वविद्यालय द्वारा किए गए ऐसे आयोजन की सराहना की। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और विशिष्ट अतिथि बनने का भी जो शुभ अवसर मिला उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही यहाँ जो बच्चे बड़े बड़े चित्रकार लोगों को देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बनेंगे और हम बहुत आभारी हैं जेजेटी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। थैंक यू। इन्होंने माना कि ऐसे माहौल
उन्हें बहुत कुछ नया सीखने की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। My name is Aryan Jangad. I am from SS Modi Vidya Vihar School. Today we are invited here by Sri JJT University workshop, and the name of workshop is Shamika Art Gallery, and the topic of the art gallery was Indian culture and safe environment. The teacher here at university are very good. They keep us motivating and to do better. Today I have got a lot of new experiences from here. The teacher keep us motivating and to do a better in life. Today I have learned a lot of new things from our seniors. So this was all about from my side. I have indeed a good experiences from JJT University. Thank you. Hi guys, this is Komal from school SS Modi. First of all, I would like to thank this great JJT University for inviting us and giving us a great chance for participating in the workshop. It was indeed great pleasure for being here, and I really enjoy. I had a great experience, and I learned a lot of things from the juniors and as well as teachers and seniors too. And I'm drawing on the topic Bhagavad Gita, as I'm inspired by that a lot. And really, I will be back soon here. And I would again like to thank JJT University for giving us a great chance for visiting here. इस वर्कशॉप के आयोजन में विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट इंजीनियर बालकृष्ण टिबडेवाला, डॉक्टर मधु गुप्ता, डॉक्टर अंजू सिंह, डॉक्टर अनंता, डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर अंशु, डॉक्टर जूली की सराहनीय भूमिका रही है। संगीत की मधुर धुनों की थिरकती कैनवास पर इन कलाकारों की उंगलियों से बिखेरते जीवन के इंद्रधनुषी रंगों से उभरती आकृति में सहसा महसूस भी हो जाया करता है कि सचमुच मन की गहराइयों से दिखते पल पल के इस जीवन के सार जैसे इन्हीं कैनवास पर विचरण कर रहे हैं। यूं ही नहीं कहते कि कला में सचमुच जीवन निहित होता है, जहां मन प्रफुल्लित भावनाओं में बस डूबता जाए, डूबता जाए।